हाय गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सोच रहे होंगे इतना हंस क्यों रही है। एक्चुअली मुझे ये सोच के हंसी आ रही है कि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ मैं कहती हूँ कि बहुत टाइम हो गया है, अब मैं रेगुलर रहूँगी और फिर से मोर देन अ मंथ इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं आई है, तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। दूसरा रीज़न आप भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि इस पर व्यूज़ नहीं आते हैं, तो थोड़े यार व्यूज़ आएँ, कुछ उसका अच्छा फीडबैक मिले तो इंसान का मन भी करे कि चलो रात को जग के कैसे करके कर भी ले अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के, बट नहीं आते नहीं है तो मैं क्या करूँ ऐसी। तो चलो खैर जो भी है, इट्स माय पैशन, आई कंटिन्यू दिस। व्यूज़ आए कभी तो आएंगे ना, देन अब चलो नहीं भी आएंगे तो लेट्स सी। बट एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो। आज की जो वीडियो है इसमें मैं लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे रेगुलर है, अगर मुझे आप इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो आपको कंटिन्यूसली उस पर रील्स मिलती है, वहाँ से मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया है और लूँगी भी नहीं, वहाँ तो चलता रहता है। एक्चुअली यूट्यूब वीडियो में थोड़ा टाइम लगता है इसको बैठ के शूट करने में, उसमें तो फुटेज शूट कर ली, कहीं इधर उधर गया, एंड जस्ट एडिटिंग इज़ रिक्वायर्ड जो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, तो उस पर चलता रहता है। एंड आपको काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी वहाँ पे, डू फॉलो मी। आपको आपके साथ मैं अपने हैंडल्स शेयर कर लूँगी। येस हैंडल्स, आई हैव मोर देन वन अकाउंट्स, सो येस आप मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिएगा। तो मैंने कुछ टाइम पहले दो स्टाइलिंग किए थे, दो ड्रेसेस, वो मैं दो लुक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसकी कुछ डिटेल्स। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो आपने वो लुक्स ऑलरेडी देख लिए होंगे, अगर नहीं करते हैं तो आप फटाफट जाके कीजिए। वहाँ से मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया, वहाँ मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रही हूँ आपको। हालांकि मैंने सोचा था कि 2 दिन के बाद रील्स डालूंगी, फिर भी मैं थोड़ा जल्दी कर ही लेती हूँ, वहाँ मैनेज हो जाता है। बट अभी मैं चलो इस वीडियो के फर्स्ट लुक की बात करते हैं। तो मैं फ़ोन लेकर बैठी हूँ, इसमें देखकर ना थोड़ा रेफरेंस लेना पड़ता है। तो ये वाला जो लुक है इसमें मैंने स्टाइल किया था, लेट्स टॉक अबाउट दिस ड्रेस। जो ये ड्रेस है ये एक्चुअली मटेरियल था अनस्टिच जो होता है ना, वो मटेरियल था, सेमी स्टिच्ड आप इसको बोलेंगे। तो इसको मैंने टेलर को देके कस्टमाइज़ कराया। अब कस्टमाइज़ कराने में मैक्सिमम टाइम इशू होता है कि जो टेलर होते हैं वो आपका फिटिंग एकदम बर्बाद कर देते हैं, बट लकीली इसमें उसने एकदम परफेक्ट फिट दिया बनाकर, कोई पंगा नहीं है, कोई इशू नहीं है। बट ऑनेस्टली स्टिच कराने से पहले मुझे इसका कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो मुझे लगा था यार बहुत डल सा है, अच्छा नहीं लगेगा। बट जब पहना मैंने इसको तो मैंने सोचा कि इसको किस दुपट्टे के साथ स्टाइल किया जाए, क्योंकि ये दुपट्टे के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। विदाउट दुपट्टा भी आप इसको कर सकते हैं, बट विद दुपट्टा ज़्यादा ग्रेसफुल लगेगा। और मैंने रील बनाने का सोचा था, रील बनाई थी एंड स्टाइलिंग की मैंने रील बना दी थी। तो मैं फिर मुझे फार्म्स में जाना था, थोड़ा ना एकदम प्रॉपर ट्रेडिशनल वाला लुक मुझे इसमें चाहिए था, एंड थोड़ा सा वो पंजाबी टच भी। तो पंजाबी टच के लिए क्या था, आई वॉन्टेड ईयरिंग्स। तो पंजाबी टच के लिए इस तरह की ये वाले ना हूप ईयरिंग्स विद सम बाली, वैसा सा वो अच्छे लगता है। अगर आपने देखा होगा पंजाबी लुक्स में ये बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो काफ़ी पंजाबी वाला फील देते हैं। देन इट लेट्स कम टू हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल में मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे नहीं रहे, मैंने चॉप करा दिए हैं, तो उसमें मैंने थोड़ा सा उनको बस ऐसे से ट्विस्ट करके इतना ही किया था, ज़्यादा कुछ नहीं। साइड सेंटर पार्टिंग यानी यहाँ से करके थोड़ा सा ट्विस्ट करके पीछे मैंने उनको पिन की हेल्प से सिक्योर कर लिया। देन आई वांटेड अ दुपट्टा। मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, एक तो ये ऑरेंज वाला, इसमें ऑरेंज कलर था, एक मजेंटा, बट मजेंटा से ज़्यादा ये ऑरेंज आ रहा था। एंड इसका ओवरऑल लुक मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया, बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं किए। एंड मेकअप में मैंने हाँ ट्रेडिशनल में वाटर लाइन पर जो काजल अप्लाई करते हैं वो प्रॉपर ट्रेडिशनल लुक देता है, तो मैंने वाटर लाइन पे काजल अप्लाई किया और लाइट सा मेकअप करके एंड ड्रेस से मैच करता हुआ ही मैंने कुछ लिपस्टिक लगाई है, ज़्यादा कुछ उसमें किया नहीं है। तो ये ओवरऑल लुक इतना अच्छा लगा मुझे। इसके शूट अगर जो शूट मेरा पर्पस था वो आउटपुट भी मैं उससे सेटिस्फाइड थी। खेत में जाके मैंने एक्चुअली बहुत दूर नहीं है, यहाँ बैंगलोर में रहती हूँ, पास ही में यहाँ पे खेत है, वहाँ जाके शूट कर सकते हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है मुझे ये सब करने में। वहाँ जाके शूट किया, इसका आउटपुट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आया। तो इफ़ आई टॉक अबाउट नॉर्मली कि चलो सब थोड़ी शूट कर रहे हैं, तो आप इस ड्रेस को, इस तरह के लुक को कहीं पर भी स्टाइल कर सकते हैं। आप वेडिंग गेस्ट हैं, कोई फैमिली में फंक्शन है, कुछ भी है, इस तरह का ट्रेडिशनल आपको पहना है, तो ये जस्ट एक आइडिया है कि इस तरह से आप कोई भी अपनी सिंपल सी ड्रेस को ऐसे ना मिक्स एंड मैच करके, जैसे मेरे पास जो दुपट्टा रखा था ऐसे करके। तो मुझे ओवरऑल लुक ये बहुत अच्छा लगा। एंड ये जो ईयरिंग्स हैं ये मैंने बहुत पहले हैदराबाद से लिए थे। हैदराबाद के पर्ल्स काफ़ी फेमस हैं, तो वहाँ मैंने काबरा ज्वेलर्स हैं, तो मैंने उनसे ये वाले ईयरिंग्स ख़रीदे थे। तो ये तो रही इस लुक की बात, ये था प्रॉपर ट्रेडिशनल लुक, प्रॉपर इंडियन लुक। आप अब नेक्स्ट था मेरा, मैं उस लुक को दूसरी वाली वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो गाइज स्टे ट्यून, मैं दूसरा वाला कौन सा लुक है वो मैं इसमें नहीं बताने वाली हूँ, आप इंस्टा पे जाकर देख सकते हैं, लुक तो आपको दिख ही जाएगा, बट डिटेल्स मैंने क्या सोचा, क्या मेरा थॉट प्रोसेस था उसको स्टाइल करने से पहले, वो सारी चीज़ें आपको बाद में वीडियोस में पता चलेंगी। सो गाइज, मेरे पास ना बेविस्ट के बहुत सारी ड्रेसेस हैं, बहुत अच्छे अच्छे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी वीडियोज़ बनाकर ना मैं उनको स्केड्यूल कर दूँगी, दिस इज़ हाउ आई कैन मैनेज, वरना ऐसे तो मेरा चैनल बर्बाद हो जाएगा। तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, सो दैट आई गेट बेटर व्यूज़ एंड यू गेट बेटर कंटेंट, तभी तो मोटिवेशन मिलेगा ना बनाने के लिए। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपका इंस्टाग्राम पे वेट कर रही हूँ कितने फॉलोअर्स साथ पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू इन एडवांस अगर आप मुझे फॉलो करने वाले हैं, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।